हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12th के फिजिक्स के सेमीकंडक्टर चैप्टर को। बच्चों इस वीडियो में हम कंप्लीट सेमीकंडक्टर के सारे टॉपिक को कवर करेंगे। और बच्चों एक और बात आपको बता दूं, पूरे यूट्यूब पर इस चैप्टर सेमीकंडक्टर को इतने कम टाइम पे पूरे टॉपिक को कवर किए शायद ही किसी ने पढ़ाया होगा। तो बच्चों इस वीडियो को एकदम अच्छे से देखिए, इतने कम टाइम में मैं पूरे चैप्टर को बिना कोई टॉपिक को स्किप किए हुए समझा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है बच्चों, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो तक जाएंगे, एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर क्या है, ऐसा सॉलिड जिसकी कंडक्टिविटी होती है हाई और रेजिस्टिविटी क्या होती है लो। इंसुलेटर जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और कंडक्टिविटी क्या होती है लो। सेमीकंडक्टर जिसके बारे में पढ़ना है, सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो इंसुलेटर से तो क्या होती है ज्यादा और कंडक्टर से कम होती है, लेकिन जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है कंडक्टर से थोड़ी सी ज्यादा होती है लेकिन इंसुलेटर से रेजिस्टिविटी थोड़ी सी क्या होती है कम होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड क्या होता है कि ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है। दो तरह का मेन बैंड होता है, एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड वो बैंड होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहता है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है। आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस बैंड के अंदर रहता है और कंडक्शन बैंड उसके ऊपर होता है और इसके बीच का जो गैप होता है उसे हम कहते हैं एनर्जी गैप। ये हमेशा फिल होता है और ये भरा भी हो सकता है और ये खाली भी हो सकता है, लेकिन वैलेंस बैंड हमेशा क्या होता है कंप्लीटली फिल्ड होता है। उसके बाद अगर बाहर से कोई एनर्जी अप्लाई किया जाता है तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाता है किसमें, कंडक्शन बैंड में। तो याद रखना बच्चों, वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कंडक्टिविटी यानी इलेक्ट्रिक करंट कंट्रीब्यूट नहीं करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ जाता है तो कंडक्शन बैंड का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री टू मूव होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, नॉट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन। देखिए सारी चीज को लिख के भी दिया था कि वैलेंस बैंड क्या, दिस बैंड इज नेवर एम्प्टी, इट मे बी पार्शियली और कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्शन बैंड नॉट कंट्रीब्यूट इलेक्ट्रिक करंट, इट जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। जब तक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। ये होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते थे और ये गोल सा क्या हो जाता है होल। होल का मतलब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां पर क्या क्रिएट हो जाता है होल क्रिएट हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड के बारे में क्या बताया, जीरो केल्विन में तो वो खाली होता है लेकिन जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया जाता है तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन किस में जंप कर जाता है, कंडक्शन बैंड के अंदर, और कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है कॉन्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड के बेसिस पे सॉलिड को क्लासिफाई किया गया। देखिए सबसे पहला क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर के केस में क्या होता है बच्चों, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों क्या हो जाता है ओवरलैप कर जाता है, यानी कि जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सबके सब कंडक्शन बैंड में तो मौजूद होते ही है, इसलिए कंडक्टर क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट करता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है, एनर्जी गैप जो होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में काफी ज्यादा होता है, इसको कितनी भी एक्सटर्नल एनर्जी दे दो ये वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाता, और जब तक वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप नहीं करेगा कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा। तो इंसुलेटर केस में क्या होता है, ये एनर्जी गैप काफी ज्यादा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है, इसलिए वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाता, इसलिए इंसुलेटर इलेक्ट्रिक करंट कंट्रीब्यूट नहीं करता है। उसके बाद अगर बात करें सेमीकंडक्टर का, तो सेमीकंडक्टर केस में जो एनर्जी गैप होता है बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड वो काफी कम होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है कम होता है, जिसकी वजह से बाहर से थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में चला जाता है कंडक्शन बैंड में, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आता है कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होता है और उसी के मूवमेंट से कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इसमें एनर्जी गैप क्या होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। दो प्योर सेमीकंडक्टर लिया, इसमें सिलिकॉन के केस में एनर्जी गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के केस में एनर्जी गैप क्या होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सबसे पहला सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर एग्जांपल होगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसके आउटर मोस्ट सेल में यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। ये इसका कॉन्फिगरेशन लिखा हुआ है, देखिए आउटर थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बना दिया, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों का चारों इलेक्ट्रॉन अलग 4 सिलिकॉन के साथ शेयर करके 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव नहीं। 4 आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन 4 क्या कर रहा है? सिलिकॉन से शेयर करके 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव नहीं है। इसलिए प्योर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट कंट्रीब्यूट नहीं करता, क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जो भी इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट का, वो चारों का चारों कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में बिजी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसलिए प्योर सेमीकंडक्टर नॉट कंट्रीब्यूट इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या होता है? प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर इंप्यूरिटी मिलाना ताकि उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डोपिंग। उसके बाद आता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या फिर डोप सेमीकंडक्टर, या फिर इंप्योर सेमीकंडक्टर। वो दो तरह का होता है, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो बच्चों एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है? जब प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर ग्रुप 15 यानी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को मिला देते हैं। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी जैसे फास्फोरस है, इसके आउटर मोस्ट में क्या होता है? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसको अगर मिला देते हैं किसके अंदर? प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, तो जो बनता है उसे हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। जैसे देखिए, ये हमने प्योर सिलिकॉन के अंदर क्या मिला दिया? ग्रुप 15 का एलिमेंट फास्फोरस। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। देखिए 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 तो क्या करा? 4 सिलिकॉन के साथ शेयर करके 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री टू मूव है। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी होगा। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कुछ बात मैंने लिखा है, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस फ्री टू मूव इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, हेंस कंडक्टिविटी इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होगा, और होल क्या होगा? एज अ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? डोनर इंप्योरिटी। तो ग्रुप 15 का जो इंप्योरिटी होगा, जो ग्रुप 15 का जो एलिमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? डोनर इंप्योरिटी। अब इस डोनर इंप्योरिटी की वजह से क्या होगा? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स का एक एनर्जी लेवल बन जाएगा, जिसे हम क्या बनेंगे? डोनर एनर्जी लेवल ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। या इसे आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाएगा, ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होता है, हर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल बन जाएगा। तो ये जो एनर्जी लेवल, इसे हम क्या बोलेंगे? डोनर एनर्जी लेवल ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये डोनर एनर्जी लेवल जो बनेगा, वो कंडक्शन बैंड के नजदीक बनेगा, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन की जगह किसके नजदीक होती है? कंडक्शन बैंड के नजदीक। तो भी तो थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, इतना कम गैप होता है, एनर्जी गैप 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ी सी एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन लेगा, जो वैलेंस, जो डोनर इंप्योरिटी का जो इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन, वो थोड़ा सा 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेगा, और किसमें जंप कर जाएगा? इसमें आसानी से क्या करेगा? जंप कर जाएगा। इसमें जैसे जंप करेगा क्या हो जाएगा? फ्री टू मूव हो जाएगा। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। और ये हो गया एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखिए बच्चों, है नेक्स्ट है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा? जब प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी यानी ग्रुप 13 का एलिमेंट एल्युमिनियम गैलियम इन सबको ऐड कर दिया जाएगा, तो क्या बनेगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। जैसे देखिए, प्योर सिलिकॉन के अंदर हमने एक एल्युमिनियम ऐड कर दिया, तो इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 सिलिकॉन के साथ शेयर करके 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, लेकिन एक बॉन्ड क्या होगा? वो इनकम्प्लीट होगा। तो एक इनकम्प्लीट बॉन्ड में यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाए, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब होल, ये होल बन जाएगा। अब इस होल में क्या होगा? नेबरिंग सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जंप करेगा। ये इलेक्ट्रॉन इस होल में आ जाएगा, तो फिर यहाँ होल बन जाएगा, इस होल में ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। तो इस तरह से ऐसा फील होगा कि होल मूव कर रहा है। तो इसमें क्या होगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इन पी टाइप सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी इज ड्यू टू होल। इसमें क्या हो जाएगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और इलेक्ट्रॉन एज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर।
और जो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसलिए ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को क्या बोला जाएगा बच्चों, एक्सेप्टर इंप्योरिटी। एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर या फिर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल ड्यू टू एक्स्ट्रा होल। अब ये जो एक्स्ट्रा होल जो भी इंप्योरिटी होगा ट्राइवेलेंट, जितने इंप्योरिटी आएगा एक एक्स्ट्रा होल क्रिएट होता चला जाएगा, तो उस एक्स्ट्रा होल की वजह से एक एनर्जी लेवल बन जाएगा। अब वो एनर्जी लेवल किसके नजदीक होगा, याद रखना वैलेंस बैंड के नजदीक होगा, और उस वो किसकी वजह से बना, होल की वजह से। तो अब इसका जो एनर्जी गैप होता है वो भी बहुत कम होता है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या होगा, वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़ा सा एनर्जी लेगा और इस लेवल पे आसानी से आ जाएगा। जब यहां से यहां जंप करेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन क्या होता है, जब एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एन टाइप का सेमीकंडक्टर दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है, जो रिजल्टिंग अरेंजमेंट बनता है उसे हम बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। इसमें देखिए पी टाइप है, इसमें मेजोरिटी में क्या होगा, होल, और ये एन टाइप है, इसमें मेजोरिटी में कौन होगा, इलेक्ट्रॉन, और इसमें माइनॉरिटी में कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, और इसमें माइनॉरिटी में कौन होगा, होल होगा। अब क्या होगा, देखिए ध्यान से, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन खींचा चलाएगा होल की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस तरफ, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस तरफ, और जहां पर से इलेक्ट्रॉन आएगा वहां पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो ये और इस वाले रीजन को क्या बोलता है, डिप्लीशन लेयर बन जाता है। बारी बारी टॉपिक समझाता हूं, ये पहला टॉपिक है इसमें पीएन जंक्शन में डिप्लीशन लेयर। तो डिप्लीशन लेयर क्या होता है, तो जंक्शन के दोनों तरफ जो इमोबाइल आयन का जो एरिया होता है, जो स्पेस होता है इमोबाइल आयन का उसे हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर। इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जिसे हम बोलते हैं बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस VB। अब नेक्स्ट क्या, देखिए ध्यान से, इसमें डिफ्यूजन करंट क्या होता है, देखिए होल का इधर जाना और इलेक्ट्रॉन का इधर आना, यानी कि मेजॉरिटी चार्ज के मूवमेंट से जो करंट बनता है उस करंट को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट। दैट इज होल फ्रॉम पी साइड टू एन साइड एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। इसका जो डिफ्यूजन होता है, मेजॉरिटी चार्ज का जो डिफ्यूजन होता है उससे जो करंट बनता है उस करंट को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, देखिए ड्रिफ्ट करंट, जब ये बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड के बनने के बाद क्या होता है, अब होल पे फोर्स लगने लगता है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब डिफ्यूजन जो होता है मेजोरिटी का, होल का इधर जाना इलेक्ट्रॉन का इधर आना, ये बंद हो जाता है, किसकी वजह से, ड्यू टू बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरफ है, तो होल पे फोर्स लगे लेफ्ट साइड में और इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगे राइट साइड में, तो मेजॉरिटी चार्ज का जो डिफ्यूजन हो रहा था वो बंद हो जाएगा। लेकिन इस बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो माइनॉरिटी चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और होल पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो बच्चों बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मेजॉरिटी चार्ज का फ्लो तो बंद हो जाएगा, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो जो माइनॉरिटी चार्ज के फ्लो के जो स्मॉल करंट बनेगा, उसी स्मॉल करंट को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट। तो करंट प्रोड्यूस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज, हम बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट। उसके बाद यह बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बता दिया, अभी ये जो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वजह से मेजॉरिटी चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा और माइनॉरिटी चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ये है बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद एक नोट लिख दिया, याद रखना जो डिफ्यूजन करंट होता है वो मेजॉरिटी चार्ज के फ्लो से होता है, और ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज के फ्लो से होता है। तो डिफ्यूजन करंट मिली एम्पियर में होता है, और ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है। यानी कि जो ये डिफ्यूजन करंट होता है मेजॉरिटी चार्ज के फ्लो से जो करंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, किसके कंपेयर में, ड्रिफ्ट करंट जो कि माइनॉरिटी चार्ज के फ्लो से होता है। तो ये सारी चीजें बच्चों यहां पे लिखी हुई है, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं।
अब देखिए बच्चों हमारे पास क्या, बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। बाइसिंग का मतलब होता है बेटा बैटरी कनेक्ट करना पीएन जंक्शन डायोड से। पहली बाइसिंग है फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा, पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से जब कनेक्ट करेंगे तो ऐसी बाइसिंग को हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग करने से होगा क्या बच्चों, ये पॉजिटिव और ये होल, इसमें रिपल्शन होगा, ये नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन, इसमें रिपल्शन होगा जिससे डिप्लीशन लेयर और पिचक जाएगा। यानी ये जो है इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर भागेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन पिछले डायग्राम के रिस्पेक्ट में देखिए ये डिप्लीशन लेयर क्या हो गया, घट गया। पहले डिप्लीशन लेयर इतना था, फॉरवर्ड बाइसिंग करने के बाद देखिए डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपको याद रखना फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा, डिप्लीशन लेयर और बैरियर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसके डिप्लीशन लेयर के कम होने से जो मेजॉरिटी चार्ज का फ्लो, यानी कि होल का इधर से और इलेक्ट्रॉन का इधर से, ये अब आसानी से होने लगेगा। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा, डिप्लीशन लेयर पतला हो जाएगा जिसकी वजह से डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, आसानी से होने लगेगा। यानी मेजॉरिटी का चार्ज का फ्लो जो है वो आसानी से होने लगेगा। अब मेजॉरिटी चार्ज के फ्लो से जो करंट बनता है डिफ्यूजन करंट, वो इंक्रीज हो जाएगा। डिफ्यूजन करंट का इंक्रीज होना मतलब जो बैरियर रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सारी बात लिख दिया, देखिए डिप्लीशन लेयर बैरियर पोटेंशियल घटेगा किसमें, फॉरवर्ड बाइसिंग में। इजी टू फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज, मेजॉरिटी चार्ज आसानी से फ्लो कर पाएगा, यानी कि होल इधर से, इलेक्ट्रॉन इधर से। डिफ्यूजन करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बैरियर रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और डायोड कैसे बिहेव करने लगेगा, एज अ कंडक्टर, क्योंकि इसमें करंट आसानी से फ्लो होगा किसमें, इन फॉरवर्ड बाइसिंग। अब देखो बच्चों मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स कब बना दिया है, फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड यानी कि डिफ्यूजन करंट। फॉरवर्ड करंट क्या है, तो डिफ्यूजन करंट, इसके बीच में ग्राफ बना दिया, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं इसको। जब फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज बढ़ाएंगे, जैसे जैसे फॉरवर्ड बाइसिंग में वोल्टेज बढ़ाएंगे, डिप्लीशन लेयर क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। और डिप्लीशन लेयर कम होगा तो करंट क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। और जब डिप्लीशन लेयर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यानी कि रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा, मेजॉरिटी के फ्लो में रुकावट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, करंट अचानक से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जिस वोल्टेज पर करंट अचानक से इंक्रीज हो जाएगा उस वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, नी वोल्टेज। यही बात वहां पर लिखा हुआ, ऑन इंक्रीजिंग फॉरवर्ड बायस वोल्टेज डिप्लीशन लेयर डिक्रीज and hence current increases. After some time depletion layer vanish and current increases very rapidly. ये रहा। अब नेक्स्ट क्या बच्चों हमारे पास, रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग क्या होता है, जब पी साइड को पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से, उल्टा पी साइड को नेगेटिव टर्मिनल से और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से एक्सटर्नल बैटरी के जब कनेक्ट कर देते हैं तो ऐसे बाइसिंग को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स बाइसिंग। इसमें क्या होगा, ये नेगेटिव और ये होल पॉजिटिव, इसे क्या करें, अट्रैक्ट। अब क्या होगा, डिप्लीशन लेयर, ये नेगेटिव और ये होल, इसमें अट्रैक्शन होगा यानी इधर आएगा, और ये पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन, इसमें भी क्या होगा, अट्रैक्शन, यानी कि डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा, और ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, तो डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा, और वाइडर हो जाएगा। और वाइडर हो जाने का मतलब देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और ज्यादा हो जाएगा, अभी कंपेयर करके देखेंगे, और इधर पॉजिटिव चार्ज, तो डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा, और वाइडर हो जाएगा इन रिवर्स बाइसिंग। देखिए फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर क्या हो गया था, घट गया था, क्योंकि प्लस प्लस में रिपल्शन ये इधर गया, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन ये ऐसे हो गया, डिप्लीशन लेयर और कम हो गया। लेकिन इस केस में आप गौर से देखिए, रिवर्स बाइसिंग में माइनस प्लस में क्या होगा, अट्रैक्शन, और माइनस प्लस में क्या होगा, अट्रैक्शन। डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा, और वाइडर हो जाएगा, डिप्लीशन लेयर वाइडर, द पोटेंशियल बैरियर भी क्या हो जाएगा इस केस में, इंक्रीज हो जाएगा, वीबी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे जो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ होगा। अब आप ध्यान से देखिए क्या होगा, इन केस ऑफ रिवर्स बाइसिंग क्या होगा, डिप्लीशन लेयर और बैरियर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और बैरियर पोटेंशियल और डिप्लीशन लेयर के इंक्रीज होने से ऑब्वियस ही बात है जो मेन करंट है डिफ्यूजन करंट, बैरियर ज्यादा हो जाएगा तो डिफ्यूजन करंट क्या हो जाएगा, कम। लेकिन स्मॉल करंट ड्रिफ्ट करंट स्टार्ट हो जाएगा इन रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग केस में मेजॉरिटी का फ्लो तो बिल्कुल बंद हो जाता है और ड्रिफ्ट करंट जो काफी कम होता है वो स्टार्ट कर जाता है फ्लो करना। उसके बाद बैरियर रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, डिप्लीशन लेयर वाइडर हो गया तो बैरियर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और डायोड कैसे बिहेव करने लगे, एज अ इंसुलेटर, क्योंकि मेन करंट आपका डिफ्यूजन करंट है। जब डिफ्यूजन करंट ही खत्म हो गया तो वो किस तरह, डायोड किस तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट, यानी कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगेगा।
अब देखिए बच्चों, रिवर्स करंट और रिवर्स बायस वोल्टेज में ग्राफ बना हुआ है। देखिए ये फॉरवर्ड वोल्टेज इधर था तो रिवर्स वोल्टेज किधर होगा, इस तरफ। फॉरवर्ड करंट यानी कि डिफ्यूजन करंट ऊपर था तो रिवर्स करंट क्या होगा, नीचे। देखो फॉरवर्ड करंट ज्यादा होता है इसलिए मिली एम्पियर में, और रिवर्स करंट काफी छोटा है इसलिए माइक्रो एम्पियर में। देखो जो रिवर्स करंट होता है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज होता है, तो माइनॉरिटी चार्ज तो है ही बहुत कम, तो वो थोड़ा सा जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करेंगे रिवर्स में तो माइनॉरिटी करंट क्या होगा, इंक्रीज। यानी कि रिवर्स करंट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और उसके बाद क्या हो जाएगा, जब वो है ही इतना कम अमाउंट में तो थोड़ा सा इंक्रीज होने के बाद क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। लेकिन जब आप माइनॉरिटी चार्ज का ही वोल्टेज बढ़ाते चले जाओगे, ये देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू में यानी कि चार्ज इंटू में वोल्टेज। तो जब आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ाओगे तो माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। और जब माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल का काइनेटिक इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी, तो वो क्या करेगा, शांत बैठे हुए कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर के इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करके क्या कर देगा, फ्री कर देगा। बहुत सारा कोवेलेंट बॉन्ड अचानक से ब्रेक हो जाएगा और बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट क्या हो जाएगा, अचानक से क्या हो जाएगा, रिवर्स करंट इंक्रीज हो जाएगा। ये कारनामा जिस वोल्टेज पे होगा उस वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज। यानी कि जितना ज्यादा वोल्टेज करोगे रिवर्स में उतना ही माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, और उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो वो माइनॉरिटी चार्ज क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन सबको ब्रेक कर देगा और उसे क्या कर देगा, फ्री टू मूव कर देगा। और अचानक से जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट क्या होगा, रिवर्स करंट अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब देखिए बच्चों, कैसे पहचानोगे पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। देखिए ये पी साइड है और ये एन साइड। पी वाला देखिए 5 वोल्ट है और एन वाला अर्थिंग यानी कि 0 वोल्ट। तो पी वाला हायर पोटेंशियल पे हो गया और एन वाला नेगेटिव पोटेंशियल पे हो गया। तो ये किसका पहचान है, ये हो गया फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में पी क्या होता है, हायर पोटेंशियल पे, और एन क्या होता है, लोअर पोटेंशियल पे। तो इस केस में ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस्ड, ये हो गया। उसके बाद दूसरा केस देखिए बच्चों, दूसरा केस क्या हो जाएगा, इसमें देखिए P वाला हो गया -10 वोल्ट और N वाला हो गया -5 वोल्ट। इस बार क्या है, P वाला लोअर पोटेंशियल पे हो गया, N वाला हायर पोटेंशियल पे हो गया, तो ये उल्टा हो गया, P हो गया लोअर पोटेंशियल पे, N हो गया हायर पोटेंशियल पे, तो ये कौन सी बायसिंग हो जाएगी, रिवर्स बायसिंग हो जाएगी। यहां आप गौर से देखें, P है -10 वोल्ट और ये क्या है, 0 वोल्ट। इस केस में P हो गया लोअर पोटेंशियल पे और N हो गया हायर पोटेंशियल पे, तो फिर से उल्टा जुड़ा हुआ था, ये भी फिर से क्या हो जाएगा, रिवर्स बाय। इस केस में क्या होगा, ये कंडक्टर की तरह काम करेगा, करंट को फ्लो कराएगा P से N की तरफ, लेकिन ये रिवर्स बायस में करंट को फ्लो नहीं कराएगा, रिवर्स बायस में एज अ इंसुलेटर काम करेगा। यहां भी करंट 0 और इस केस में इसमें से भी करंट कोई फ्लो नहीं होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारे पास रेक्टिफायर, लास्ट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कन्वर्ट करता है फ्लक्चुएटिंग डायरेक्ट वोल्टेज में। तो देखिए नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर किस प्रिंसिपल वर्क करता है, जो पीएन जंक्शन डायोड का यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, यानी कि जब पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो करंट को अलाउ करता है और रिवर्स बायस में करंट को अलाउ नहीं करता, उसी के प्रिंसिपल पे काम करता है कौन, ये रेक्टिफायर। देखिए यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ डायोड, दैट इज डायोड ओनली अलाउ करंट इन फॉरवर्ड बायसिंग एंड ऑफर्ड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है रेक्टिफायर। अब नेक्स्ट देखिए बच्चे हमारे पास है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, ये हमने अल्टरनेटिंग इनपुट वोल्टेज यहां से फेड किया प्राइमरी पे, तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, प्राइमरी में फ्लक्स चेंज होगा क्योंकि अल्टरनेटिंग है, उसकी वजह से सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। अब सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होगा तो क्या होगा, पहले हाफ साइकिल में समझ लो S1 हायर पोटेंशियल पे है और S2 क्या है, लोअर पोटेंशियल पे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए डायोड का ये P साइड है और ये N साइड है, तो P हो गया हायर और N हो गया लोअर, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस केस में ये डायोड करंट को अलाउ करेगा, तो पहले हाफ साइकिल में करंट अलाउ होगा, ये ऐसे आउटपुट आएगा। लेकिन वेरी नेक्स्ट साइकिल, अगले साइकिल में क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा लोअर पोटेंशियल पे
और S2 हो जाएगा हायर पोटेंशियल पे। अब देखिए डायोड क्या हो जाएगा, P वाला जुड़ गया नेगेटिव पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल से और N वाला जुड़ गया हायर पोटेंशियल से, तो ये डायोड हो गया रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस के केस में डायोड करंट को अलाउ नहीं करेगा, तो इस केस में आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा, जीरो। फिर अगले हाफ साइकिल में क्या होगा, अगले हाफ साइकिल में S1 आ जाएगा हायर पोटेंशियल और S2 क्या आ जाएगा लोअर पोटेंशियल, अगेन डायोड क्या हो गया फॉरवर्ड बायस, फिर से ये करंट को अलाउ करेगा। तो अब गौर से देखिए, इनपुट फ्रीक्वेंसी जो था, ये इनपुट फ्रीक्वेंसी था एक दो, इनपुट फ्रीक्वेंसी था दो, और आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी कितना मिला एक और ये दो, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी क्या आ गया दो। तो याद रखना हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों, सेम होता है। वही सारी बात मैंने यहां पर लिख दिया, आप ध्यान से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर, ये कंप्लीट वेव को रेक्टिफाई करेगा। देखिए इसमें दो डायोड यूज किया जाता है, D1 एंड D2, ये P साइड होता है और ये N साइड, ये P साइड और ये N साइड। अगेन क्या होगा, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन S1 S2 में क्या होगा EMF इंड्यूस हो जाएगा। पहले हाफ साइकिल में ये इसका पोटेंशियल क्या होगा हाई, और इस S2 का पोटेंशियल क्या होगा लो। तो इस केस में D1 हो जाएगा फॉरवर्ड बायस और D2 क्या हो जाएगा रिवर्स बायस। तो D1 करंट को अलाउ करेगा इस तरह से, डायरेक्शन क्या होगा A टू B फॉर पहले हाफ साइकिल में, तो करंट को अलाउ करेगा, तो पहले हाफ साइकिल में आउटपुट ये मिलेगा। नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, S1 हो जाएगा लोअर पोटेंशियल पे और S2 हो जाएगा हायर पोटेंशियल पे। अब ये हो जाएगा रिवर्स बायस, ये करंट को अलाउ नहीं करेगा, लेकिन ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, करंट इधर से ना कर अब ये अलाउ करेगा करंट, तो अगेन करंट इस तरह से जाएगा, तो अगेन डायरेक्शन की तरफ गौर से देखिए A टू B, यानी अगेन आउटपुट मिलेगा इसी तरफ सेम डायरेक्शन में। उसके बाद फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये हो जाएगा हायर पोटेंशियल पे और ये हो जाएगा लोअर पोटेंशियल पे, अगेन तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये रिवर्स बायस, ये करंट अलाउ नहीं करेगा, ये अलाउ करेगा, तो अगेन आउटपुट आपको मिलेगा, फिर अगले हाफ साइकिल में आउटपुट मिलेगा। तो इस तरह से देखिए इनपुट फ्रीक्वेंसी कितना है एक दो, इनपुट फ्रीक्वेंसी कितना है दो, लेकिन आउटपुट फ्रीक्वेंसी देखिए एक दो तीन चार, आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना मिल गया चार। यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर में याद रखना इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या होता है, जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होता है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी का डबल होता है। और जो जो बात मैंने बोला यही सब बात यहां पे हाफ फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में लिखा हुआ है।